एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी उत्तर के साथ, जो कि आपके NCERT का है। और ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वे वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी है कि पक्का आएगा। अगर आप लोग इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम सामाजिक विज्ञान में 70 में 70 पूरा नंबर आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। ठीक है, जो महात्मा गांधी है वो अफ्रीका गए थे पढ़ने के लिए, तो वहाँ से वो भारत कब लौटे थे, इस तरह से क्वेश्चन में पूछ रखा है। ठीक है, तो जो महात्मा गांधी है वो अफ्रीका से, ठीक है, 1915 ईस्वी में लौटे थे। कब लौटे थे, वर्ष 1915। ठीक है, वर्ष 1915 में क्या हुए थे, वे अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी क्वेश्चन हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। ठीक है, जब भारत वापस आए थे अफ्रीका से गांधी जी, तो उन्होंने कई आंदोलन चलाए थे और कई सत्याग्रह भी किए थे। तो यहाँ पे वो पहला भारत में, जब अफ्रीका से वापस आए थे भारत, तो उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। ठीक है, तो वो चंपारण में किया था। कहाँ पे, चंपारण में किया था। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले कि हमने फर्स्ट चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुके, अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग हमारे चैनल पे तुरंत आकर देख लीजिए। ठीक है, और इसी तरह हम हिंदी के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और क्लास 10th साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी बताए हैं। आप लोग जल्दी से सभी वीडियो को देख लीजिए, और इसी तरह अब डेली वीडियो आएंगे। और ये हम आप सभी को छोटे क्वेश्चन बता रहे हैं। इसके बाद अगर आपको, ठीक है, विस्तृत प्रश्न यानी जो बड़े प्रश्न होते हैं, अगर आप सभी को वे भी प्रश्न चाहिए इम्पॉर्टेंट, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हर साल आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में आता है। तो यहाँ पे देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं, ठीक है, वह वंदे मातरम गीत के रचयिता हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करो या मरो का नारा किसका था, यानी जो करो या मरो है, ठीक है, ये किसने नारा दिया था, तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे तुरंत नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी का आंदोलन किस पर आधारित था, यानी जो गांधी जी थे वो तीन आंदोलन चलाए थे। आगे हम आप सभी को क्वेश्चन में बताएंगे उन सभी आंदोलन के बारे में। तो उन्होंने तीन आंदोलन चलाए थे, तो यहाँ पे पूछ रखा है कि वो आंदोलन किस चीज़ पे आधारित था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो गांधी जी द्वारा तीन आंदोलन चलाए गए थे वो सत्य और अहिंसा पर आधारित था। किस पे आधारित था, सत्य और अहिंसा पर। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, सत्य और अहिंसा पर आधारित था।
ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। तो आप सभी को हम बता दें कि आप सभी को डेली इंपॉर्टेंट वीडियो आएंगे क्लास टेंथ के आल सब्जेक्ट के, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर कीजिए। ठीक है, आप लोग जितना ही शेयर करेंगे हम आप सभी के लिए उतना ही अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे। और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है कि आपको कॉपी कैसे लिखना है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर के लिए आपको कैसे लिखना है, कैसे याद करना है, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाता है जिससे आपको अधिक से अधिक नंबर मिले, टॉपर कैसे लिखते हैं, इन सब टॉपिक पर बहुत ही जल्द वीडियो आएंगे। तो आप लोग सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं दो आंदोलन के नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, जो गांधी जी थे, ठीक है, इन्होंने तीन आंदोलन चलाए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी के बोर्ड एग्जाम में उन सभी आंदोलनों का विस्तृत वर्णन करने के लिए भी आता है, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आप सभी को इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट यानी क्लास टेंथ सामाजिक विज्ञान के सभी चैप्टर का इम्पॉर्टेंट, ठीक है, दीर्घ प्रश्न का भी उत्तर लाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो गांधी जी द्वारा चलाए गए यहाँ पे दो आंदोलन पूछ रखा है, यहाँ पे हम आप सभी को तीन आंदोलन बताएंगे, ठीक है। तो पहला जो आंदोलन था गांधी जी द्वारा चलाया गया, पहला आंदोलन था असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन, ठीक है, पहला ये था। इसके बाद दूसरा क्या था, दूसरा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद तीसरा क्या था, तीसरा और लास्ट भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो ये हो गए तीन इंपॉर्टेंट आंदोलन, आप लोग जल्दी से इन सभी को तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था, ठीक है। जो गांधी जी थे वो नमक सत्याग्रह भी प्रारंभ किए थे, तो वो कहाँ से प्रारंभ किए थे, तो वो देखिए गुजरात में, ठीक है, यहाँ पे साबरमती जो आश्रम है वहाँ से दांडी यात्रा प्रारंभ किया था, कहाँ से, दांडी स्थान से, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को लिखना है दांडी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किया था क्यों, यानी गांधी जी जो थे वो दांडी यात्रा क्यों किए थे, किसका विरोध में किए थे, ठीक है। तो वो नमक कानून तोड़ने हेतु किए थे, नमक कानून तोड़ने हेतु, आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर इस वीडियो को 500 लोग देखेंगे तो वो 500 और भी स्टूडेंट को शेयर करेंगे, जिससे इस वीडियो पे 1000 अगर व्यूज़ आ जाएंगे तो हम आप सभी को इतनी अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे कि आप सभी लोग बोर्ड एग्ज़ाम में पढ़ करके हमारे चैनल से 95% से अधिक नंबर ला करके एक टॉपर स्टूडेंट बनेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को कम से कम आप लोग 100 लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, बहुत ही कम, हम आप सभी को कह रहे हैं कि 100 लाइक। और इसी तरह से आप सभी को शाम को, ठीक है, साइंस के भी वीडियो आएंगे और हिंदी के वीडियो आएंगे और इंपॉर्टेंट साइंस के न्यूमेरिकल के भी वीडियो आएंगे और बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ट्रिक और टिप्स के भी वीडियो आएंगे। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप सभी को हम बता दें कि अगर आप लोगों को फ्री में नोट्स और PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आप लोग को हमारे टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का विरोध में कौन शहीद हुआ था, ठीक है, लाठियों के प्रहार से कौन शहीद हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में, तो वो हुए थे लाला लाजपत राय, रॉय, ठीक है।
इस तरह से हो गए 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग जल्दी से इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। इसी तरह से और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के लिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और हमारे इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स में प्लीज़ शेयर जरूर करें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।